हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, आप में से कई लोगों को पता होगा कि हाल ही में लुप्त मूवी रिलीज हुई थी, जिसके मुख्य कलाकार जावेद जाफरी और विजय राज थे। लुप्त फिल्म को प्रभुराज ने डायरेक्ट किया है और मेकर्स का कहना है कि ये फिल्म एक सच्ची घटना से प्रेरित है। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को लुप्त फिल्म की कहानी शॉर्ट में बताते हुए इस फिल्म के बारे में अपनी कुछ पर्सनल ओपिनियंस दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में ढेर सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो अगर आपने अब तक लुप्त नहीं देखी है तो आप पहले इस फिल्म को थिएटर में देख लें और उसके बाद ही इस वीडियो को पूरा देखें। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी की शुरुआत में हम जावेद सर को देखते हैं, जिन्होंने हर्ष टंडन नाम का कैरेक्टर प्ले किया है। और हर्ष एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। वो एक बहुत ही गंभीर इंसान है जो अपनी बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है, इवन मोर देन हिज फैमिली। अब अगर हम हर्ष के परिवार की बात करते हैं तो इसमें हर्ष की बीवी शालिनी टंडन है और इन दोनों के दो बच्चे हैं जिनका नाम सैम और तनु है। सैम एक बहुत ही मजाकिया लड़का है और वो अक्सर अपनी बड़ी बहन तनु को परेशान करते रहता है। तनु का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम राहुल है और राहुल को तनु के घर में सभी लोग जानते हैं। तो कहानी में आगे हम व्यूअर्स को पता चलता है कि अगले महीने सैम अपनी पढ़ाई करने यूएस जाने वाला है और इसीलिए टंडन्स एक फैमिली ट्रिप प्लान करने की सोच रहे होते हैं। हर्ष को इस ट्रिप में कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उसे अपने परिवार की खुशी से ज़्यादा अपनी बिजनेस की पड़ी थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक दिलचस्प बात ये थी कि कुछ दिनों से हर्ष को कुछ विजन्स आ रहे थे जिसमें उसे एक बच्ची या फिर एक भूतिया औरत दिख रही थी। इन विजन से परेशान होकर हर्ष अपनी एक फ्रेंड से मिलने जाता है जो कि एक साइकियाट्रिस्ट थी। साइकियाट्रिस्ट का मानना था कि हर्ष को ये विजन्स उसके एक्स्ट्रा काम करने की वजह से आ रहे हैं एंड ही नीड्स ए ब्रेक फ्रॉम हिज वर्क। इनिशियली तो हर्ष इन बातों को नहीं मानता है, लेकिन बार बार विजन्स आने की वजह से वो ब्रेक लेने के लिए तैयार हो जाता है। हर्ष के तैयार होते ही टंडन फैमिली एक रोड ट्रिप प्लान करती है जिसमें परिवार वालों के अलावा तनु का बॉयफ्रेंड राहुल भी आ रहा था। ये पांचों लोग कार से इस ट्रिप पे जा रहे थे और रास्ते में हर्ष अपनी कार को रीफ्यूल करने के लिए रोकता है। यहाँ हमारी मुलाकात देव नाम के इंसान से होती है जिसका किरदार विजय राज ने निभाया है। हर्ष की बेटी तनु देव से अननोइंगली टकरा जाती है और देव तनु को अजीब तरीके से घूरे जा रहा था, विच वॉज मेकिंग हर अनकम्फर्टेबल। एनी हाउ, हर्ष की फैमिली यहाँ से निकलती है, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि आगे का रास्ता किसी एक्सीडेंट की वजह से जाम है। रास्ते को क्लियर करने में 2-3 घंटे लग सकते हैं और हर्ष इतनी देर वेट करने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए वो अपनी कार को एक अनजान रास्ते की तरफ मोड़ता है जो कि उनकी मंजिल तक पहुंचने का एक दूसरा सुनसान रास्ता था। अब चूंकि हर्ष के अलावा बाकी कोई भी इस रास्ते के बारे में नहीं जानता था, वो लोग किसी इंसान से पूछकर कंफर्म करना चाहते थे कि क्या वो सही रूट पे हैं। इनफैक्ट उन्हें इसी रास्ते में एक इंसान मिलता है जिसकी गाड़ी खराब हो गई थी और ये इंसान और कोई नहीं बल्कि देव था। हर्ष की पत्नी शालिनी देव से इस रास्ते के बारे में पूछती है और देव एक भी सीधा जवाब नहीं दे रहा था। लाइक जब शालिनी पूछती है कि भाई साहब ये रास्ता कहाँ जाता है, तो इस पे देव का कहना था कि रास्ते कहीं नहीं जाते हैं, आप बताइए आपकी मंजिल कहाँ है। अब दोस्तों, हर्ष का बेटा सैम देव के साथ मजाक करने लगता है और वो देव को मजाक में ही बोलता है कि वो लोग कब्रिस्तान जा रहे हैं क्योंकि उनकी कार की डिक्की में एक लाश है। देव को ये मजाक पसंद नहीं आता है और टंडन फैमिली देव की बिना मदद किए ही इसी रास्ते पे आगे बढ़ते हैं। कुछ ही दूर आगे जाने पे हर्ष को अचानक रोड के बीचों बीच एक स्ट्रोलर दिखता है जिसके अंदर एक डॉल थी। हर्ष सैम को ये स्ट्रोलर रोड पे से हटाने बोलता है और मजाक मजाक में सैम ऐसे बिहेव करता है मानो इस स्ट्रोलर में रखी डॉल ने उसका गला दबा दिया हो। सभी लोग कार से निकलकर सैम की तरफ दौड़ते आते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि ये सब बस एक मजाक था। और इस बात पे हर्ष को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो सैम को एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ देते हैं। थप्पड़ खाने के बाद सैम का दिमाग ठंडा होता है और वो चुपचाप स्ट्रोलर को रोड से दूर हटा देता है।
लेकिन दोस्तों जैसे ही सैम कार की तरफ जाता है, हम व्यूअर्स देखते हैं कि स्ट्रोलर अपने आप ही वापस रोड के बीचों बीच आ चुकी थी। हर्ष और उनके परिवार को लगता है कि सैम ने दोबारा मजाक करते हुए स्ट्रोलर को वापस रोड पर रख दिया है, और इस बात पर हर्ष सैम को बहुत ज़्यादा डांटते हैं। बहरहाल सैम वापस स्ट्रोलर को रोड से हटाता है और ये परिवार इस जगह से आगे बढ़ते हैं। यहाँ दोस्तों एक और अजीब बात ये थी कि सैम को कार के रेडियो में एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है जो बोलती है कि सब मरेंगे। एनीवेज इस परिवार के कुछ ही दूर आगे जाने के बाद हर्ष को सड़क पे एक अनजान आकृति दिखती है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़ोर से ब्रेक लगाता है। गाड़ी के रुकने के बाद सड़क पे कोई नहीं था और अब ये गाड़ी स्टार्ट तक नहीं हो रही थी। ये रास्ता काफ़ी सुनसान था और यहाँ कोई भी दूसरी कार आ जा नहीं रही थी। तभी हम एक कार को यहाँ से पास करते देखते हैं और ये कार देव की थी। देव इन लोगों को याद दिलाता है कि इन्होंने उसकी मदद नहीं करी थी और इस बात पे राहुल देव को सॉरी बोलता है। देव उसकी अपॉलोजी एक्सेप्ट करता है और वो तंडंस को बताता है कि उसका पास में ही एक आउट हाउस है और ये पाँचों अपनी रात वहाँ बिता सकते हैं। अब हालांकि तनु इस आउट हाउस में जाना नहीं चाहती थी, लेकिन वहां आसपास सिर्फ घनी जंगल थी और इसीलिए तंडंस देव की आउट हाउस में ही ठहरने की सोचते हैं। आउट हाउस के अंदर जाते वक्त सभी लोग गौर करते हैं कि बाहर लगी स्विंग अपने आप ही हिल रही थी। इस पे देव का कहना था कि आसपास के जंगलों में कई जानवर रहते हैं और उनमें से ही कोई इस स्विंग के साथ खेल रहा होगा। अंदर जाने के बाद देव टंडन्स को रहने के लिए एक कमरा देते हैं और हम व्यूअर्स देखते हैं कि सैम को इस आउट हाउस में वो स्ट्रोलर वाली डॉल फिर से दिखती है। जब सैम इस डॉल के नज़दीक जाता है तो इस डॉल की आंखों से खून निकलने लगता है, लेकिन तनु के वहां आते ही ये डॉल एकदम से गायब हो जाती है, मानो वो कभी थी ही नहीं। सैम बार बार अपने परिवार वालों को बोलता है कि उसने अभी वो स्ट्रोलर वाली डॉल देखी है और उस डॉल के आंखों से खून निकल रहा था, लेकिन सभी का मानना था कि सैम मजाक कर रहा है। हर्ष तो सैम पे ये सब सीन क्रिएट करने के लिए इतना गुस्सा होते हैं कि वो बोल देते हैं कि आई डिसओन दिस चाइल्ड। इस घटना के कुछ ही मिनट बाद हम सैम को एक चाकू लेकर आउट हाउस की दीवारों पर कंसिस्टेंटली चाकू चलाते देखते हैं और ये सीन देखकर ऐसा लग रहा था मानो सैम पजेस्ड हो चुका है। सभी लोग उसे ऐसा करने से रोकते हैं और अचानक सैम मुड़ के बोलता है सब मरेंगे। लोग अब भी यही मान रहे थे कि सैम मजाक कर रहा है और अब तो देव भी सैम को उसके आउट हाउस को खराब करने के लिए दो बातें सुनाता है। सबकी बातें सुनकर सैम एकदम गुस्सा हो जाता है और वो वॉक करते हुए इस आउट हाउस से थोड़ी दूर चला जाता है। दूसरी तरफ हम व्यूअर्स देखते हैं कि हर्ष को भी यहाँ एक बच्ची और एक भूतिया औरत की झलक बार बार दिख रही थी। नॉट ओनली दैट, तनु तो इस जगह पे एकदम ही कंफर्टेबल नहीं थी और उसे जल्द से जल्द यहाँ से वापस जाना था। तनु का बॉयफ्रेंड राहुल उनकी कार को ठीक करने में कामयाब हो जाता है और टंडन्स डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस आउट हाउस से निकल जाएंगे। लेकिन दोस्तों सैम का कोई अता पता नहीं था और सभी लोग उसे ढूंढने लगते हैं। उसे ढूंढते ढूंढते हर्ष देव के कमरे में जाते हैं जहां उन्हें कई मरे हुए लोगों की तस्वीरें एक बोर्ड पे दिखती है और हर तस्वीरों के साथ कुछ पेपर क्लिपिंग्स और नोट्स लगे थे। तभी अचानक इस आउट हाउस की लाइट चली जाती है और हर्ष को यहाँ एक औरत की भूतिया शक्ल दिखती है जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अब तो टंडन्स इस आउट हाउस से भागने के लिए एकदम तत्पर थे, लेकिन सैम का अब तक कोई अता पता नहीं था। दूसरी तरफ हम सैम को देखते हैं जिसे जंगलों में एक बच्ची दिखती है और सैम इस बच्ची का पीछा करता है। बच्ची घने जंगल में भागते हुए एक जगह जाकर रुकती है और इस बच्ची के हाथ में वही स्ट्रोलर वाली डॉल थी। बच्ची बोलती है हैप्पी बर्थडे टू रिया और इसके बाद हम उस बच्ची का एक डरावना रूप देखते हैं। इतना ही नहीं, हम वहाँ एक भूतिया औरत को भी देखते हैं जो शायद इस बच्ची की माँ थी और वो औरत सैम की तरफ गुस्से में देखती है जिससे सैम का गला अपने आप ही दबने लगता है। सैम यहाँ से भागते हुए आउट हाउस तक पहुँचता है और वहाँ वो अपने पिता के गोद में एकदम ऐसे तड़प रहा था मानो कोई उसका गला दबा रहा हो। पूरी टंडन फैमिली सैम को घेर कर बैठी थी और अचानक सैम अपना दम तोड़ देता है। सभी लोग एकदम शॉक्ड स्टेट में थे कि आखिर यहाँ हुआ क्या और सैम कैसे मारा गया।
हर्ष जोर जोर से रो रहे थे और तनु को ये सारी सीन्स देखकर आस्मा अटैक आता है। सैम की माँ शालिनी की दिमागी हालत खराब हो जाती है, जहाँ उन्हें अब भी यही लग रहा था कि सैम जिंदा है और वो उसी तरह से अपने पूरे परिवार से नॉर्मली बातें कर रही थी। हर्ष सैम की लाश को अपनी कार की डिक्की में रख देते हैं और ये लोग फौरन यहाँ से घर वापस लौटने लगते हैं। तकरीबन 100 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद भी ये लोग वापस देव के आउटहाउस के पास ही आ जाते हैं और लखनऊ अब भी 262 किलोमीटर ही दूर था। और दोस्तों, ये सारी बात बहुत ही शॉकिंग थी क्योंकि इन्होंने एक भी टर्न्स नहीं लिए थे। मीनवाइल शालिनी एकदम पागल हो जाती है और वो एक पिस्टल लेकर हर्ष से सैम के बारे में पूछने लगती है। शालिनी के मुताबिक ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि हर्ष ने सैम को थप्पड़ मारा था और अगर हर्ष सैम को वापस नहीं लाएगा तो वो खुद को गोली मार लेगी। सिचुएशन एकदम टेंस थी कि अचानक शालिनी को जंगलों में सैम दिखता है और वो उसके पीछे दौड़ने लगती है। बाकी तीन लोग शालिनी के पीछे दौड़ते हैं और जंगलों में सैम का पीछा करते करते शालिनी एक पेड़ से टकरा जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। हर्ष शालिनी को कार में बिठाते हैं और ये लोग वापस यहाँ से घर की ओर निकलते हैं। बीच रास्ते में शालिनी को होश आता है और वो एक बार फिर से सैम का अता पता पूछने लगती है। उन्हें महसूस होता है कि कार के डिक्की में शायद सैम है और वो अपने पति हर्ष को गाड़ी रोकने बोलती है। हर्ष गाड़ी रोक नहीं रहे थे और इसी गुस्से में शालिनी चलती गाड़ी से बाहर छलांग लगा देती है, जिससे उनकी वही मौत हो जाती है। मरने से पहले वो भी यही बात बोलती है कि सब मरेंगे। और हम व्यूअर्स वहां जंगलों में वही भूतिया औरत की आकृति देखते हैं। हर्ष अब एकदम से टूट गए थे और उन्हें लगता है कि ये सब देव का किया धरा है, इसीलिए वो गाड़ी मोड़ के सीधा देव के आउटहाउस पहुंचकर उसके ऊपर बंदूक तान देते हैं। देव हर्ष की इस हरकत से शॉक्ड थे और हर्ष उनसे उनके कमरे में लगी फोटोज के बारे में पूछते हैं। देव का कहना था कि वो एक राइटर हैं और वो पैरानॉर्मल चीज़ों पर रिसर्च कर रहे हैं, यही वजह है कि उनके कमरों में वो तस्वीरें थी। और दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच थी। अब हर्ष बार बार सोचने लगते हैं कि आखिर उनके परिवार के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, कि तभी उन्हें कुछ याद आता है और वो बोलते हैं कि ये सब उनकी गलती है। स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है और हर्ष बताते हैं कि आज से कुछ समय पहले हर्ष का एक बिजनेस कॉम्पिटिटर हुआ करता था जिसका नाम विनोद कुमार था। विनोद को बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है, जिससे हर्ष एकदम खुश नहीं थे। विनोद हमेशा हर्ष से एक कदम आगे रहता था और उसके परिवार में एक बीवी और एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम रिया था। रिया का नेक्स्ट डे बर्थडे था, जिसके लिए वो बहुत एक्साइटेड थी और इस बात से विनोद और उसकी बीवी भी बहुत खुश थे। तो अवार्ड फंक्शन में पार्टी के दौरान हर्ष काफ़ी पी लेते हैं और कार ड्राइव करते वक्त उन्हें सामने विनोद की कार दिखती है। हर्ष जानबूझकर कार को इस तरह से चलाते हैं जिससे विनोद के कार की एक्सीडेंट हो जाती है और इस एक्सीडेंट में विनोद के साथ साथ उसकी बीवी और बच्ची भी मारी जाती है। सबसे दुखद बात तो ये थी कि विनोद के बीवी और बच्चे इस एक्सीडेंट के बाद भी जीवित थे और अगर हर्ष उन्हें अपनी कार में हॉस्पिटल पहुंचाते तो शायद वो दोनों बच जाते, लेकिन हर्ष उनके सामने ही बोलते हैं कि विनोद ख़त्म तो कंपटीशन ख़त्म। हर्ष विनोद और उसके परिवार को यहाँ मरने छोड़कर अपने रास्ते चले जाते हैं। तो दोस्तों, स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हम हर्ष को अपनी गलती का एहसास होते देखते हैं और जो भूतिया औरत और बच्ची हमें इस फिल्म के दौरान दिख रही थी वो विनोद की बीवी और बेटी थी। फिर अचानक सभी लोग यहां विनोद की बीवी की भूत देखते हैं, जो कि अपनी शक्तियों से हर्ष की बेटी तनु का गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश करती है। हर्ष बार बार उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन भूत का कहना था कि वो हर्ष को अपने करीबी लोगों को खोने के गम का एहसास दिलाएगी। तनु के पास अब ज़्यादा वक्त नहीं था कि तभी हम व्यूअर्स देखते हैं कि हर्ष खुद को गोली मार लेते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। अब चूंकि ये आत्माएं हर्ष को तड़पाना चाहती थी, लेकिन हर्ष अब खुद ही मर चुके थे, इन आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है और तनु की जान बच जाती है। फाइनली सिर्फ तनु और उसका बॉयफ्रेंड राहुल इस परिवार में जिंदा बचते हैं। मूवी के एंडिंग सीन में हम देव को एक किताब कंप्लीट करते देखते हैं जिसका नाम लुप्त था और देव भी भूत प्रेत में अब भरोसा करने लग गए थे। मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये थी लुप्त फिल्म की कहानी, और मुझे पर्सनली ये फिल्म उतनी पसंद नहीं आई। फिल्म में जावेद और विजय सर के अलावा बाकी लोगों की एक्टिंग अच्छी नहीं है और फिल्म का हर एक पात्र ओवर ड्रामेटिक है। अब हालांकि फिल्म की स्टोरी एकदम टिपिकल होने के बावजूद भी ठीक है, लेकिन फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही ख़राब है। फिल्म के अंदर कई जंप स्केयर सीन्स हैं और ये फिल्म आपको लाउड म्यूजिक के थ्रू डराने की कोशिश करती है। आई कैन गो ऑन एंड ऑन अबाउट द फिल्म, बट टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैं शॉर्ट में यही कहना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से ये फिल्म अच्छी नहीं थी, और इस फिल्म को देखना या ना देखना आपकी मर्जी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी वीडियोज़ लाते रहते हैं। Peace.